आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं वर्ल्ड टाइगर डे के उपलक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन दे रहे हैं। डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन वुड बी 2022। बी इन इंडिया कंप्लीटेड दिस टारगेट 4 इयर्स अर्ली। राजेश से ऑडियो लाओ ना अंदर का, मैंने 70,000 रखा फिर भी ऑडियो नहीं है। एंकर का ऑडियो भी नहीं आ रहा था, उसका ब्रेकिंग फोनों का ऑडियो भी नहीं आ रहा था, क्या दिक्कत हुई? 14-15 साल पहले जब ये आंकड़े सामने आए थे कि देश में सिर्फ 1400 टाइगर रह गए हैं, तो ये बड़े डिबेट का विषय बन गया था, चिंता का कारण बन गया था। टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। टाइगर के लिए उपयुक्त माहौल से लेकर इंसानी आबादी के साथ संतुलन बिठाने का एक बहुत मुश्किल काम सामने था, लेकिन जिस प्रकार संवेदनशीलता के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया, वह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब 3000 टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटेट में से एक है। दुनिया भर में टाइगर की करीब 3/4 आबादी का बसेरा हमारे हिंदुस्तान में है। यहां उपस्थित आप में से कई लोग ये भी भली भांति जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम को समृद्ध करने का यह अभियान सिर्फ टाइगर तक ही सीमित नहीं है। गुजरात के गीर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाटिक लायन और स्नो लेपर्ड के संरक्षण की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है, बल्कि गीर में तो जो काम पहले से चल रहा है उसके सुखद परिणाम आज साफ साफ नजर आ रहे हैं। वहां के शेरों की संख्या 27% तक बढ़ी है। मुझे खुशी है कि भारत की बेस्ट प्रैक्टिसेस का लाभ टाइगर रेंज के दूसरे मित्र देशों को भी मिल रहा है। आज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी चीन रूस समेत 5 देश समझौता कर चुके हैं और जल्द ही दूसरे देशों के साथ समझौता भी तय है। ग्वाटेमाला तो अपने यहां जेगुआर कंजर्वेशन के लिए भी हमसे तकड़ी की मदद ले रहा है। वैसे ये भी दिलचस्प है कि टाइगर सिर्फ भारत ही नहीं, कई और देशों में आस्था का प्रतीक है। भारत के अलावा मलेशिया और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बाघ ही है। चीनी संस्कृति में तो टाइगर ईयर मनाया जाता है, यानी एक तरह से देखे तो टाइगर से जुड़ी कोई भी पहल कई देशों को, वहां के लोगों को कई तरह से प्रभावित करती है।
फ्रेंड्स, ह्यूमन एम्पावरमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट अ बेटर एनवायरमेंट एंड सो द वे अहेड इज इन कलेक्टिवनेस इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिवनेस. We need to take a broad-based and holistic look at environmental conservation. There are several plants and animals out there that need our help. What is it that we can do? Either through technology or human action to give them a fresh lease of life so that they can add beauty and diversity to our planet. Also, there is a very old debate, development or environment. And both sides present views as if each is mutually exclusive. Lekin, hame सह अस्तित्व को भी स्वीकारना होगा और सह यात्रा के महत्व को भी समझना होगा. आई फील इट इज पॉसिबल टू स्ट्राइक ए हेल्दी बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. और हमारा तो देश ऐसा है कि जहां हमें हजारों साल से सह अस्तित्व की शिक्षा दी गई है. हमारे पूर्वजों ने जो भगवान की कल्पना की और सह अस्तित्व का उदाहरण उसमें महसूस रहता है. ये सावन मास है, सोमवार है, शिव जी के गले में सांप है और उसी परिवार के गणेश जी का आसन चूहा है. सांप चूहे के खाने की आदत रखता है लेकिन शिवजी अपना परिवार में सहअस्तित्व का संदेश देते हैं. ये अपने आप में हमारे यहां किसी परमात्मा की कल्पना पशु पंखी पौधे के बिना नहीं की गई है, उसके साथ जोड़ा गया है. इन अवर पॉलिसीज, इन अवर इकोनॉमिक्स, वी हैव टू चेंज the conversation about conservation. We have to be both smart and sensitive and create a healthy balance of environmental growth. India will prosper both economically and environmentally. India will build more roads and India will have cleaner rivers. India will have better train connectivity and also greater tree coverage. India will build more homes for our citizens and at the same time create quality habitats for animals. India will have a vibrant marine economy and a healthier marine ecology. This balance is what will contribute to a strong and inclusive India. साथियों, बीते पांच वर्षों में जहां देश में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तेजी से कार्य हुआ है, वहीं भारत में फॉरेस्ट कवर भी बढ़ रहा है. इसके अलावा देश में प्रोटेक्टेड एरियाज की संख्या में भी वृद्धि हुई है. 2014 में भारत में प्रोटेक्टेड एरियाज की संख्या 692 थी, जो 2019 में बढ़कर अब 860 से ज्यादा हो गई. साथ ही कम्युनिटी रिजर्व की संख्या भी
2014 के 43 से बढ़कर अब करीब करीब 100 को पार कर गई है। टाइगर की संख्या बढ़ना, प्रोटेक्टेड एरियाज की संख्या बढ़ना भी सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव टूरिज्म और रोजगार के साधनों पर भी पड़ता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि रणथंभौर में जो मशहूर टाइग्रेस मछली थी, सिर्फ उसे देखने के लिए ही लाखों देश विदेशी टूरिस्ट डेरा डालते रहते थे। इसलिए बाघों के संरक्षण के साथ ही हम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भी बल दे रहे हैं। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाए गए भारत के तमाम प्रयासों ने हमें क्लाइमेट एक्शन का ग्लोबल फ्रंट रनर बना दिया है। वर्ष 2020 से पहले एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी के लिए भी जो लक्ष्य रखे गए थे वो भारत पहले ही प्राप्त कर चुका है। भारत आज दुनिया से उन शीर्ष देशों में है जो अपनी इकोनॉमी को क्लीन फ्यूल बेस और रिन्यूएबल एनर्जी बेस बनाने में जुटा है। वेस्ट और बायोमास को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का एक व्यापक हिस्सा हम बना रहे हैं। इसके अलावा अब जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर काम हो रहा है, बायोफ्यूल्स पर काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है, उससे भी पर्यावरण के हित जुड़े हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में तो हम बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। 2022 तक हमने जो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का लक्ष्य रखा है, उसको हासिल करने के लिए पूरी क्षमता से काम चल रहा है। वहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आइसा के माध्यम से हम दुनिया के अनेक देशों को सोलर पावर से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, एक दुनिया एक सूरज एक ग्रिड। उज्ज्वला और उजाला जैसी योजनाएं देश के सामान्य जीवन को तो आसान बना ही रही है, इससे पर्यावरण की भी सेवा होगी। देश के हर परिवार को एलपीजी कनेक्शन देने भर से ही हम बड़ी मात्रा में पेड़ों को कटने, उनको नुकसान पहुंचाने से बचाने में सफल हो रहे हैं। देश के हर घर, हर बिल्डिंग, हर सड़क, हर गली को एलईडी बल्ब से लेस करने से का जो अभियान चल रहा है, उसे बिजली तो बची रही है, कार्बन जनरेशन में भी बहुत कमी आ रही है और साथ साथ मध्यम वर्ग के परिवारों में बिजली का बिल भी कम हुआ है, उनको आर्थिक रूप से फायदा भी हुआ है। साथियों, आज भारत की पहचान दुनिया के उन देशों में है जो अपने और दुनिया के हित में जो भी संकल्प लेता है उनको समय पर पूरा करता है। पॉवर्टी एलिमिनेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में ही भी भारत विश्व अग्रणी रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों की वजह से आज भारत की पहचान दुनिया के उन देशों में है जो अपने और दुनिया के हित में जो भी संकल्प लेता है उनको समय पर पूरा करता है। एज वी सेलिब्रेट द नंबर्स टुडे, वी हैव टू रियलाइज
that these majestic animals are facing dire challenges from an ever decreasing and disturbed habitat and illegal trade and traffic. India is committed to doing whatever it can to further animal protection and conservation. I would request heads of government of the Tiger Range countries and bring them together in an alliance of global leaders to erase, demand, and to firmly curb poaching and illegal trade in Asia. Let me once again congratulate you on this World Tiger Day. Let us all pledge to create a green and environmentally sustainable country. Let the tiger be that symbol of sustainability. मैं इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से यही कहूंगा कि जो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है वो वहीं न रुके. केवल टाइगर जिंदा है इससे काम नहीं चलेगा. और कभी पहले सिनेमा वाले गाते थे बागों में बहार है, अब सुप्रियो जी गाएंगे बागों में बहार है. टाइगर कंजर्वेशन से जुड़े जो प्रयास हैं उनका और विस्तार होना चाहिए, उनकी गति और तेज की जानी चाहिए. इसी उम्मीद इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद.